सऊदी अरब से मजीद कोई डिपॉजिट की डिमांड नहीं कर रहा है। वफाकी वजीर इक्तिसादी उमूर अहद चीमा कहते हैं रवा माली साल की फाइनेंसिंग की जरूरियात हदफ के मुताबिक हैं। आइंदा माह मजीद ग्रांट्स दो तरफा कसीर उल जहती अदायगियाँ होंगी। इसहाक डार को नायब वजीर आजम बनाने की हिमायत करते हुए कहा इसहाक डार को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत नायब वजीर आजम बनाया गया। वजीर आजम ने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए उनको नायब वजीर आजम मुकर्रर किया। और पाकिस्तान गैर महफूज रियासत है, असम्बलियाँ खरीदी और बेची गई। अगर दहशत गर्दों को ख़त्म कर दिया गया था तो पहले से मजबूत होकर कैसे आ गए। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा अपने हाथों से आका बनाएंगे तो यही आखिरत की निशानी है। भारत सुपर पावर के ख्वाब देख रहा है, हम भीख मांग रहे हैं। संजीदगी से गौर किया जाए कि मुल्क आज कहाँ खड़ा है, हमारा ज़मीर किस तरह इस ऐवान में बैठने पर मुतमईन है। हारने वाले परेशान और जीतने वाले मुतमईन नहीं। PTI को वोट मिला तो उनको हुकूमत का हक है। 2 मई को कराची में मिलियन मार्च का ऐलान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।